जकी जी आए। जी जकी जी, क्या हाल है आप? मैं हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप क्या तबीयत बहुत अरसे बाद हूँ। क्या चल रहा है? कैसी हो? क्या हाल चाल है? है? कोई इश्यूज नहीं चल रहे। आज हमारा टॉपिक है कि भाई इस्लाम में औरत के हकूक। तो मैं कहती हूँ इस्लाम औरत को कोई हकूक नहीं देता है। आप मोमिन हैं, आप मुझे डिबेट कर सकते हैं इस चीज पे, मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है। मुझे इनलाइट करें, क्या नहीं देता है? इस्लाम औरत को राइट नहीं देता है। आप इस्लाम में औरत की गवाही आदी है, औरत के लिए क्या कहते हैं जायदाद आदी है, औरत कोई जबरदस्ती नहीं, आप उसको मार सकते हो, 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो, हलाला करवा सकते हो। तो आप मुझे खुद ही बताएं कहाँ राइट्स हुए ये? नहीं, कहीं पे भी नहीं नजर आ रहे। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि इस्लाम में तो औरत की कोई औकात ही नहीं है। हाँ तो सही तो है, आपने सही पकड़ा नहीं वैसे। अच्छा नहीं आपकी बातों से ऐसा ऐसा तासुर आ रहा है। आपने पढ़ा है कुरान? जी, अरे मैं हूँ भाई जकी, आपसे बात होती रहती है। तो फिर आप मुझे काउंटर करें ना, आप क्यों कह रहे हैं, आपको कैसा लगता है? आप मुझे देखें, बताइए औरत को आप क्या जो है हकूक ना, दिए में? देखें आप पूरी पूरी पिक्चर को देखें ना, पूरी पिक्चर को देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि ऐसा है तो क्यों है और कहाँ तक सही है। और आपने जो जितने भी ये लगाए हैं इसमें कितनी दुरुस्तगी है, कितने सही है, कितने बात जो है वो अफवाह की बुनियाद पे आपको मिसगाइड किया गया है, मिस इन्फॉर्म किया गया है। मिसाल के तौर पर आधी गवाही की आप बात कर रहे हैं, तो वो चंद उमूर हैं जैसे कि फाइनेंशियल जो उमूर होते हैं उसमें औरत को दो गवाह होने चाहिए इस टाइप की सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि औरत को इस्लाम में औरत पे अपनी मुआशी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना खर्च उठाए। या तो उसका शौहर उठाएगा, या उस अगर कुंवारी है तो उसका बाप, या जो भी उसका वली है, बड़ा भाई है, या जो भी है। अगर कोई भी नहीं है तो हाकिम शरा उसका खर्च उठाएगा। औरत को कमाने की तकलीफ ही नहीं है औरत में इस्लाम में, ठीक है? ये सोसाइटी का अच्छा, स्ट्रक्चर है इस्लाम में। ठीक है। आपने कहा इस्लाम में जी आपकी मोहम्मद की पहली जो वाइफ थी खदीजा, वो भी तो काम करती थी, वो भी तो कमाती थी। आपकी हाँ, मोहम्मद जी तो कमाते नहीं थे। कमाने से मना नहीं है। अगर औरत कमाना चाहती है तो उसको रोका नहीं गया है, मगर ये कि अगर कोई नहीं कमाती है तो उसका खर्च हुकूमत देगी या उसका वली के ऊपर है। और अगर प्रॉफिट मोहम्मद से निकाह हुआ है तो खदीजा का, बीबी खदीजा का जो खर्च है वो प्रॉफिट मोहम्मद के जिम्मे है। मगर प्रॉफिट मोहम्मद के पास शर्म कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्कुल ही कंगले थे जब उनकी शादी हुई है। तो सब वो कुछ था ही राजी थी पैसा उनके ना। पास, अरे भाई, बताइए खदीजा जरा। राजी थी इस बात पे, खदीजा राजी थी, कोई मसला नहीं, उनके पास कमी नहीं थी। वो फिर भी उसके बावजूद, और प्रपोजल बीबी खदीजा ने भेजा था, जी वो प्रॉफिट हमें पता मोहम्मद ने है, मगर एक्सेप्ट मैं आपसे किया। कह रही हूँ कि देखिए, आपका कुरान हर जमाने के लिए है, और अभी आपने कह दिया कि मर्द क्योंकि कमाते हैं औरतों के लिए, तो इस वजह से ये वो उनके क्या जनरल है। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो यही है कि मर्द जो है वो कवाम है, कवाम से मुराद मगर अब तो सोसाइटी निगेबान चेंज हो है, गई है, अब तो औरतें भी कमा रही हैं। हाँ, अलाव है, कमा तो सकती हैं। अलाव है ना। हाँ, तो फिर उस पे फिर उसमें फिर किसी को एक दूसरे के ऊपर हुकूमत नहीं करनी चाहिए ना। अगर औरत कमा रही है तो क्या वो हाँ भी वही कुछ चीजें हाँ करे जो मर्द करता है? क्योंकि मर्द बिल्कुल है। कमाता है, देखें, वो अगर कंट्रोल अगर करता है। बिल्कुल सही बात, देखें, अगर मर्द अपनी बीवी का खर्च नहीं उठाता तो फिर मर्द जो है ना वो बीवी से हमबिस्तरी का हक नहीं रखता, ठीक है ना? और अगर खर्च देता है, उठाता है, तो बीवी पर से उसका उसके हुकूक देने की जो है वो पाबंद है। ये एक मुआहदा है ना, निकाह। निकाह मोहब्बत और वो सब उल्फत अपनी जगह, आप मगर कह रहे हैं निकाह हुकूक। एक जी मुआहदा है, मगर निकाह एक खरीदो फरोख्त लगती है, जहाँ पे हक मेहर सेट किया जाता है लड़की का, और इतने में लड़की मिलती है, और इसके ऊपर जी लोग जी समझ लड़की लो कि मिलती आजकल है। देखिए, लोग आपके लफ्जों का चुनाव, आजकल रात लोग खरीद लेते हैं लड़कियां हक मेहर के नाम पे। उसके बारे में देखिए, क्या कहेंगे आप? खरीद खरीद में कि यह है कि उसने अपनी कीमत लगाई हुई है। नहीं, यहाँ पे लड़की के पास चॉइस है, वो किसके साथ रहना चाहती है, ठीक है ना? इसी तरह मर्द कितने के पास लोगों को भी चॉइस चॉइस। नहीं मिलती है पाकिस्तान में? कितनी लड़कियां आपको लगता है अपनी चॉइस से शादी करती नहीं, हैं? जो होता है वो तो बहुत गलत होता है, उसमें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो होता है, एक तो इस्लाम में ये कहीं नहीं है कि माँ बाप जाएंगे माँ बाप से रिश्ता लेने,
ये तो इस्लाम में कहीं नहीं है, और यही हो रहा है, और इसी को इस्लाम समझा जा रहा है। जबकि इस्लाम क्या है, यानी कि शैतान ने जब चाहा कि पाकिस्तान में जिना आम हो जाए, तो उसने पाकिस्तान में माँ बाप की मर्जी से शादी को आम कर दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं अबू इतनी सुफियान्स बड़ी वाइफ बात इज कह रहा हूँ मैं। ऑल्सो वेरी वेल्दी एंड पावरफुल एंड क्वाम मींस केयर टेकर लाइक प्रॉपर्टी. हाँ, जिसमें ना स्पाउटिंग ना दिस ना, नॉनसेंस. हाँ, इट इज. कौन नहीं है? देखिए आपके आपको अच्छा, मुझे आपको ये पता है कि आप मुझे ये बताइए, आपने कुरान पढ़ा है तो आप बताइए वो आयत कहाँ पर है वाइफ बीटिंग वाली. वाइफ बीटिंग पे तो हमारी कई बहुत बात छू चुकी है, अब हम उसमें क्या अब तो डिस्कस। अगर कई दफा बात हो चुकी है तो आपको अब तो आयत याद हो जानी चाहिए. मुझे याद है वो वाइफ की है, सूरह कौन सी निसा है, में कौन आई गया, सूरह निसा में सी है? 134 है या 39 है। 434 है. तो उसमें लिखा हुआ है कि मेन आर केयर टेकर्स ऑफ यू. अब अल्लाह मियां को उस वक्त शायद ये पता नहीं था कि औरतें भी कमाएंगी बाद में जाकर, क्योंकि नहीं औरतें तो उस कमा, वक्त भी कमा रही थी. मैंने सुना नहीं आप एग्जैक्टली किस तरह औरतें उस बात कर वक्त भी रही हैं, कमा रही थी, मगर उनको ये पता नहीं था क्योंकि उसमें जो पता इस्लाम कि लिखा हुआ है ये उसमें आप जैसे किस तरह कह रही नाइटली, हैं। आप मुझे बताएं कि पिटाई किस औरत की पिटाई की इस्लाम, थी. इस्लाम तो उसूल देता है, उसूल देता है, उसके बाद उसमें गुंजाइश कितनी है वो एक अलग बहस है। इस्लाम वही तो हम ने कह रहे हैं उसूल दे आपने, दिया इस्लाम ने कि उसूल मर्द दिया है है। कि औरत के ऊपर फजीलत मर्द को हासिल है क्योंकि वो उसका प्रोटेक्टर है, वो कमा के लाता है, तो औरत को उसकी बात सुननी सुननी है, और अगर वो नहीं सुनती है तो पहले उससे बात करना बंद कर दो, फिर उसको हिदायत दो, दूसरी दफा नहीं सुनती बेड अलग कर लो, तीसरी दफा नहीं सुनती उसकी पिटाई करो. ये क्यों नहीं लिख दिया कि तीसरी दफा ओके यू नो व्हाट, इसको तलाक दे दो. बताइए, अरे तलाक किस बात पे दो, अगर निकालें आयत मारने की निकालें, बात चले पे निकालें। हो, अरे मारने से बेहतर तलाक देना नहीं है. नहीं किस बात पे मारो, जो भी बात है, आप जिस को भी कंसिडर करते हो जो कुरान में आयत में लिखा है आपके, कि भैया वो एक दफा नहीं सुनी, दूसरी दफा नहीं सुनी, अरे बिल्कुल नहीं क्या सुनती नहीं वो, सुन रही, उसने मुझे किया क्या क्या ऐसा जो मारो। पता. अरे मुझे क्या पता वो जो बदकार औरतें हैं, मुझे क्या पता, वो तो आपका कुरान बताएगा ना बदकार औरतें कौन है, क्या खोले क्या लिखा उसमें, औरतें. अच्छा नहीं, वो औरतें जो हाँ, रेट, उन्होंने कहा वो अच्छी औरतें हैं जो ओबीडियंट हैं, जो अपने हुक्म की हुक्मरान की हुक्म यानी हुक्म सुनेंगी, और जो हुक्म नहीं सुनेंगी वो खराब औरतें हैं, तो उनकी पिटाई. जिनसे डर हो, जिनसे डर हो कि वो आपकी खयानत करेंगी। क्या क्योंकि मतलब पिटाई भी, पिटाई में ये है कि पिटाई आप उस खयानत का हिसाब से क्या कर मतलब सकते हैं, आपका, खयानत पे आ जाए आप, खयानत का क्या मतलब आपका। खयानत यानी कि वो आशना बनाती हैं आपके पीठ पीछे, बॉयफ्रेंड्स बनाए अगर आपकी वाइफ्स, ठीक है अच्छा, ना. तो औरत जी बॉयफ्रेंड हाँ, भी नहीं बना सकती, ये मगर मर्द चार शादी करके उसके ऊपर 300 अपने ला मर्द सकता चार है। वाह शादियां क्या कर सकता फेर, है सो एक वक्त में, एक फेर। वक्त में मर्द, क्योंकि मर्द की दाढ़ी होती है औरत की दाढ़ी नहीं होती. देखिए मर्द और औरत में फर्क अच्छा, मर्दों की दाढ़ी भी नहीं होती, उनकी निकलती नहीं, इसमें ये क्या तुके, तो मैंने पहली दफा सुना है मर्दों की दाढ़ी होती है। तो व्हाट द हेल डज दैट हैव टू डू विद चार मैरिजेस, भाई. कहां से देखें, लाया ये। चार मर्द एक वक्त में चार औरतों से निकाह कर सकता है, औरत जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक से कर सकती है. और आप तो कह रहे हैं औरत को बड़े हकूक दिए हैं अल्लाह मियाँ ने, ये आपको नाइंसाफी नहीं आप लगती है। नहीं, औरत एक वक्त में चार, अच्छा मुझे एक ये बात बताओ, बेहूदगी एक है बात बताओ, इस्लाम इस्लाम में, हटा दो, बेहूदगी है ये. चले इस्लाम हटा दो आप एक सेकंड के लिए, ठीक है ना। जकी जी, आपकी बीवी है अच्छा, और वो दूसरा मर्द ले आती है, आपको कैसा फील होगा, नहीं बेहूदगी है. बेहूदगी देखें है ना, फील जी, होगा क्योंकि अच्छा नहीं है, तो इसी तरह औरत को भी फील होता है क्योंकि हमारे दिल में नहीं एक औरत बीमारी को है, फील नहीं मेरे होता. नहीं, दिल नहीं आप सुने, ठीक है, है। आप इसका जवाब औरत हो, सुने, नहीं पहले एक बात बताएं जकी जी, आप औरत हो, इसका जवाब सुने ना. आप पहले मुझे बताएं आप औरत हैं। नहीं मैं मर्द हूं अगर आप औरत नहीं है ना, तो फिर आप मेरी फीलिंग्स कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, भाई. क्योंकि बहुत सी औरतें, बहुत सी औरतें ऐसा फील नहीं करती हैं. मैं एक औरतों की ह्यूमन फीलिंग्स नेचर होता है, आपका रिलीजन जो है ना वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाता है। ह्यूमन नेचर ये है कि कोई भी स्टॉप इट, बंदा बंदी एक दूसरे से प्यार करेंगे ना, स्टॉप वो इट. उसको किसी और के बहुत साथ डेट जल्दी कर नहीं रही हैं करेंगे। आप जल्दी कर रही हैं. एक सेकेंड, आप मेरे पूरा क्वेश्चन सुन लो फिर बात करना, ओके। मैं आपको ऊपर लेती हूँ। ह्यूमन नेचर ये है कि अगर आप किसी के साथ भी हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो किसी अपने प्यार हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ किसी और को देखना पसंद नहीं करेगी, उसको जेलेसी होगी, ये ह्यूमन नेचर है। आपका इस्लाम कहता है कि वो अपना नेचर मारो, अपना कलेजा काटो, और मगर अपने मर्द को दूसरी तीसरी शादी कर लेने दो। ये औरत जो है ना, इतना बड़ा पत्थर अपने दिल पे रख कर ना वो काम करती है ना, आपके पास वो चीजें हैं जो एक औरत की हैं, तो आप यहाँ पर आके, मुझे मजा इस वजह से आता है क्योंकि
सारे के सारे मर्द ही आते हैं औरत के हकूक के ऊपर बात करने, आज तक कोई औरत नहीं आई है सिवाय एक के, जी आपने बड़ी बोलिए। ज्यादती वाली बात की, आपने नेचर की खुद ही एक डेफिनेशन बताई और फिर इस्लाम को अपनी उस डेफिनेशन पे रख के उसको गलत साबित कर दिया। जो डेफिनेशन ये, अच्छा जो आप बता दीजिए नेचर, भाई नेचर की डेफिनेशन। आपने नेचर, आपके नजदीक नेचर है, आप जैसे डिफाइन करती हैं, इस्लाम नेचर को अलग तरीके से डिफाइन करता है। इस्लाम ये कहता है कि औरत में गैरत, औरत नहीं में, औरत में, सॉरी क्या ओ भाई, इस्लाम को आप नेचर से कहाँ लेके जा रहे हो? इस्लाम भाई, कहता है कि इस्लाम ऊपर के इस्लाम पहाड़ ठोके हैं, इस्लाम तो नेचर है ना। इस्लाम कहता है फ्लैट अर्थ है, इस्लाम कहता है मीटियोर जो है वो जो कहाँ कहता शैतान मार फ्लैट? रहे हैं, शैतान को मार एक रहे हैं अंधे मिनट, में, ये क्या चला रहे हो आप नेचर? आपके उस वाले इशू इस्लाम पर आ नेचर जाएं का साइंस कि तोहीन है। नहीं, आपकी नेचर वाली बात पर आ जाएं, पहले उसको रिजॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे।